हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिब्स कलेक्शन। आज हम लेके आए हैं आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल थिंग, जो पुरानी चीज़ों से हम बनाएंगे हमेशा की तरह। इसमें हम इस छोटे से कप से एक पेन होल्डर बनाएंगे, बट ये ऐसा पेन होल्डर बनेगा जो बच्चों की चीज़ों को आप छोटा छोटा रखते हैं तो वो गिरेंगे नहीं, गिर के बिखरेंगी नहीं। इसमें कई पॉकेट्स होंगी जिसमें आराम से पेंसिल्स सेव रहेंगे। तो देखिए, पहले हम इस कप को 5 हिस्सों में कट कर लेंगे। अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप 7 में कर सकते हैं, बट ऑड नंबर्स रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमने 5 हिस्सों में इसे कट किया है, पूरा नीचे तक कंप्लीट कट किया है बट अलग नहीं किया है। उसके बाद 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 को छोड़ते हुए 1 में हम डोरी को लगाते जाएंगे। जैसे ये देखिए, हमने ऊन का लिया है थ्रेड, तो ऊन को हम 1 में लगाते हैं, फिर 1 छोड़ते हैं, फिर 1 से ओवरलैप करते हुए 1 से देखिए क्रॉस किया, अब 1 अंदर है, फिर उसके बाद 1 में बाहर किया, बाहर से लेंगे, फिर 1 में अंदर से लेंगे। इस तरीके से हमें इसे बनाते चले जाना है। आप देख लीजिए इस चीज़ को, फिर अगले राउंड में आप देखेंगे कि जो हमने अंदर से लिया था उसमें हमारा धागा बाहर से आ गया है, और जिसमें हमने बाहर से लिया था उसमें धागा अंदर से चला गया है। तो ये 5 होंगे तभी ऐसा होगा, तो इसलिए आप हमेशा ऑड नंबर्स में कटिंग करिएगा और इस तरीके से इसे बनाते बनाते कंप्लीट करना है। तो मैंने इसे डबल शेड में बनाया है और देखिए, जो मैंने धागा ज्वाइंट किया है उसको अंदर फंसा दिया जिससे बाहर से ना दिखे। तो इसको मैं डबल कलर में बना रही हूँ। आप चाहें तो कई कलर्स में या सेम कलर्स में भी इसे बना सकते हैं, सिंगल कलर में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, इसमें मैं डबल कलर में बना रही हूँ। येलो के बाद फिर से मैंने ग्रीन लगाया है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं बीच में से आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें अंदर भी पॉकेट्स बनती जा रही हैं और बाहर भी ये बहुत सुंदर लुक दे रहा है। और ये आपका वेस्ट मटेरियल से तैयार हो रहा है, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इजी एंड वेस्ट मटेरियल का रीयूज़। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आप देखेंगे हमेशा इस तरह की चीज़ें। तो ये लास्ट मेरा जहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे मैं इसको एक छोटी सी नॉट लगा के बांध दूँगी जिससे हमारा ये हिस्सा सिक्योर हो जाए और ये खुले नहीं। इसके बाद एक हम छोटी सी नॉट बनाते हुए चोटी बनाएंगे। इसमें जैसे आप क्रोशिया से भी चाहे बना सकते हैं या सिंपल एक जो फंदा बनाया इसके अंदर से फंदा निकालते जाइए, चोटी बनाते जाइए, जिससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें अलग से कोई रिबन भी लगा सकते हो या कुछ और आपके पास हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैंने सेम कलर का ये चोटी बना के लगाया है। इसमें बच्चों की चीज़ें बहुत ही केयरफुली उसमें सेव रहेंगी और गिर भी जाए तो फैलेंगी नहीं, सिमटी रहेंगी। अब देखिए, इसको मैंने ऊपर से फेविकोल से इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही ऊपर और नीचे दोनों जगह हम अटैच करेंगे जिससे देखने में ये सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितना यूज़फुल है ये भी आप बताइएगा। बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है ये। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और इजी टिप्स ऐसे ही लेके आती रहती हूँ जो मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और बच्चों के लिए, आप सबके लिए, घर के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए, ये मेरा बनके तैयार हो गया है, छोटी सी बकेट। इसमें हम बच्चों के पेंसिल्स को अलग अलग पॉकेट्स में सेव कर देते हैं। देखिए, मैंने इसको कर दिया है, अब ये गिरे या कुछ भी हो निकलेंगी नहीं। आप देख सकते हो कि ये आप पॉकेट्स में फंसी हुई हैं तो निकली नहीं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।